लॉन्च हो रहा है, मतलब गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और मैं देख चुकी हूँ. इट्स अ लवली सॉन्ग, रोमांटिक, बहुत क्यूट. मतलब गाना देखने के बाद ही मेरा ऐसा रिएक्शन था, आई एम सो क्यूट. सो या आई जस्ट लव द सॉन्ग. सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसने गाना देखा, मुझे फ़ोन किया, गाना बहुत अच्छा है. तो वी आर प्लानिंग ए सॉन्ग सिंस लॉन्ग, तो फिर हमने एक गाना प्लान किया, वी आर लिविंग फॉर गोवा टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, एक पार्टी के बाद. सो या जतिन सूरी अभी मैम आने वाले हैं, गुरप्रीत कौर चड्ढा मैम, जिन्होंने जतिन से मिलवाया मुझे और हमने गाना किया, गाना बहुत अच्छा बना है. बाकी आप देख के बताओ, बहुत सारा प्यार दो उसको. ऑडियंस की तरफ से क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं? यार लोगों को गाना बड़ा पसंद आ रहा है, ऑर्गेनिकली चल रहा है और बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं. इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं और मैसेज तुम्हारे स्पैम हो रखे हैं एकदम से. बाकी आप लोग बताना, दो तीन दिन लगते हैं इसकी एक रिपोर्ट आने में. अच्छे रिव्यूज़ हैं. सर मायशा का आज बर्थडे भी है और आज ये आपका गाना मतलब रिलीज भी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, मायशा 3 साल की होगी, उसका पहला बर्थडे बम्बे के अंदर. मम्मा उसकी कहाँ पे, मम्मा आ जाओ आप. बर्थडे कल से बर्थडे कल बुलानी मुश्किल है. क्या गाना है? आशीष जी ने गाना प्रोड्यूस किया है. आशीष जी मेरे लेबल पे, हमारा जो लेबल है उस पर 2-3 गाने कर चुके हैं इससे पहले, तो मैं मेरे लिए ही बनाया है अबराज खान के साथ में. देन ख्वाब गाना आया था पिछला, अब ये आया है. सो थैंक्स टू आशीष जी जो बार 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 हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करते हैं. आई होप ये ऐसे ही आगे चलते रहे. आशीष जी आज गुजरा जमाना भी हुआ और बच्ची का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगे? दोनों से बड़े ऊपर है मेरे लिए तो, क्योंकि मेन मायशा का बर्थडे, मायशा के बर्थडे पे हमने गाना रिलीज कर रहे हैं. ये दोनों सेलिब्रेशन एक साथ कर रहे हैं, दो सेलिब्रेशन एक साथ, धमाल है ये, धमाका है ये. इसके ऑलरेडी मतलब कितने लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, सेलिब्रिटी है. आप क्या कहना चाहोगे? मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी इज सच अ क्यूट बेबी. मैंने विश किया और जैसे कि गाना भी लॉन्च है एंड इट्स हर बर्थडे ऑल्सो, तो वी आर गोइंग टू पार्टी हार्ड. अभी तो आपका गाना आ चुका है, दर्शकों को आपको प्यार मिल रहा है, आगे क्या कुछ आपके प्लानिंग? इट्स नॉट माई सॉन्ग, इट्स जतिन सॉन्ग एंड देर इज अनदर गर्ल, बट वी आर लीविंग डे आफ्टर टुमारो फॉर गोवा एंड आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद हिम. पता है कि ये इतनी खूबसूरत है और इतनी वेल ड्रेस होके आती है कि लोगों को लगता है कि इसी का गाना है. बट हाँ, हमें गाना कर रहे हैं इस गाने में, ये नहीं है. उसके बारे में आई थिंक आई कांट रिवील मच नाउ, बट दिनेश जी अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं. हाँ, उसका नाम बता सकता हूँ, दक्षिण दिल्ली साउथ दिल्ली की गर्ल के ऊपर गाना है एंड शी इज द गर्ल फ्रॉम साउथ दिल्ली. I'm a South Delhi girl playing, but I'm a Bengali girl. But I look like a South Delhi girl, right? Yeah. Typical Delhi girl. I'm very excited. हाँ, एक एक फीचर फिल्म की है मैंने कंप्लीट, उसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताएंगे. एक वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं, वो भी कॉमेडी वेब सीरीज है. एंड अर्चना गौतम ने जो गाना किया था, कैसा अनुभव था? अभी इतना नाम है उनका बिग बॉस के बाद. हमारे लेबल पे पहला गाना अर्चना गौतम के साथ ही था जिसका नाम था डायनामाइट, और उसी के सिंगर के साथ में जो अगला गाना है वो कर रही है जोहिता चैटर्जी, लकी सिंगर शुभांगी शर्मा. एंड लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्चना, शी वॉज सपोज टू बी हेयर टूडे बट कहीं काम से है, सर की बात हुई थी आज है ना, तो माइट बी शी वॉन्ट बी मेक टू मेक टू कम हेयर बट शी विश्ड एवरी वन. सर आपकी म्यूजिक लेवल से और कौन से गाने हैं? अभी बैक टू बैक 2-3 गाने हैं, दिनेश जी करेंगे सब कुछ, क्योंकि मैं इनको अपना मेंटर मानता हूँ. मैं मेरे मेंटर है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं मेंटर है, ये जो करते हैं वही करते. भाई ये मेरे और बड़ा प्यार करते हैं एंड आई लव यू सो मच. सर बहुत सारे गाने आ चुके हैं और आगे क्या कुछ पाइपलाइन है? अभी हम लंदन जा रहे हैं कुछ गाने शूट करने के लिए, बाकी उसके बाद रिवील बाद में करेंगे. वो बहुत अलग तरीके से, वो क्योंकि वो बहुत अच्छे 5 गाने, नोट 1 नोट 2 5 सॉन्ग्स, 5 गुड सॉन्ग्स एंड विद ऑल द किड्स इंडस्ट्री. वो रिवील नहीं करना अभी, वो भी रिवील नहीं करेंगे. मायशा की विश बाइट मायशा, अभी नेक्स्ट होंगे वही आ रही है, वही होगी मायशा ही होगी. नेक्स्ट सुपरस्टार अपकमिंग, मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है एज ए मदर एंड मेरी बच्ची है जो आज इसका 3rd ईयर की हुई है और थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो गई है. मेरे लिए एक एक इसका मतलब डेली डेली कुछ इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है मेरे लिए वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला.
गाइस अनन्या आ गई है हमारे गाने की लीड लड़की, जतिन आ गया है एंड प्लीज ज्वाइन एंड या थैंक यू। और हमेशा वेट कर रहा था कि ये ही मुझे ब्रेक देंगे और इन्होंने आज वो दिया बिकॉज ऑफ जीकेसी, मतलब माय मदर। यहाँ पे मेरी मतलब मुंबई में एक ही मेरी मॉम जैसी बनी हुई है, वह जी के सी गुपिन को चड्डा, उन्होंने रिकमेंड किया था दिनेश जी को एंड दिनेश जी ने बिना सोचे समझे मेरे को लॉन्च के लिए नहीं, मैंने सोचा समझा नहीं, ये बड़ा डिजर्विंग है भाई, बहुत अच्छा एक्टर है ये और अभी तो इसने रेस्टोरेंट भी खोल लिया या, मेरा अगर ये ध्यान दे एक्टिंग पे अच्छे से तो मतलब कि स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय यार। थैंक यू। सो ये मेरा फर्स्ट ब्रेक है एज इन एल्बम एंड मैं टीवी शोज करता हूँ, देखा होगा आप लोगों ने निम की मुखिया मैंने किया इस मोड से जाते हैं, बाकी ETC एंड आशीष जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ऑन सेट तो ऐसा नहीं लगा था मैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पहले मिले हुए हैं, इनसे मिला मैं, होता है क्या यूजली होता है प्रोड्यूसर आए तो लोगों की थोड़ी हो जाती है बट मेरी कभी नहीं हुई, मतलब फर्स्ट बिल्कुल फ्रेंडली प्रोड्यूसर होके बस सेट पे आते हैं, पैसे देते हैं, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से आएंगे विरार आएंगे शूटिंग वाली लोकेशन पे, पैसे देंगे, अच्छा ओके भाई। सो शाही अभी देखो ब्लश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भाई से मुझे खड़ा काम कर दिया इन्होंने। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गुजरात जमाना? ये गाना एक्चुअली 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, तो सबसे पहले आई थिंक गौतम विंसेंट और हरिचरण जी, आप सबको पता होगा जो सिंगर है, उन्होंने ये गाना मेरे साथ गाया है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उन्होंने अग्री किया ये प्रोजेक्ट गाने के लिए। सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ 2 साल पहले और हम लोग काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कि कहाँ कैसे शूट हो जाए, एंड मेरा सबसे पहला जो म्यूज़िक वीडियो था वो भी इन्होंने ही शूट किया था, तो मुझे इन्होंने ही लॉन्च किया है और दूसरी बार भी मुझे चाहिए था कि यही मुझे करे, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर अगेन। एंड मैं आपको हरिचरण के बारे में बताना चाहूँगा, हरिचरण शेषाद्री जो गाने के सिंगर हैं अनन्या के साथ में, मतलब को सिंगर हैं हमारे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। अभी फिल्म आई है ऐश्वर्या बच्चन की और साउथ की काफ़ी अच्छी फिल्म है और म्यूजिक है ए आर रहमान का, तो ही इज़ लाइक बिग गाय इन साउथ, हरिचरण शेषाद्री जी। तो उनके साथ ये हुआ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे पेरेंट्स आज नहीं है, मेरे चाचा चाचू है यहाँ पे, सो माई फैमिली इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, कुछ भी हो दे हैव ऑलवेज बीन देयर कि हाँ करो ये, एंड आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है योर फैमिली सपोर्ट, एंड हाँ उसकी वजह से वी आर हियर टुडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप गाना सबको अच्छा लगे। या एक चीज़ बहुत अच्छी है, गाना बहुत प्यारा, आप लोग एक बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुनते ही हाँ कर दिया। मेरे को भी बहुत सारे गाने आए हुए थे इन लाइफ तो मैंने कभी किया नहीं क्योंकि अच्छा ब्रेक चाहिए था, मैंने भी हाँ कर दिया। सच में गाना करूँगा। नहीं दिनेश शूट इतना अच्छा किया ना, देखोगे गाने को ना, सीरियसली अमेजिंग है वो, नेक्स्ट लेवल। ये सारी आपकी स्पोर्ट थी जो गाना शूट नहीं, बिल्कुल जब हम शूट करते हैं अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन जहाँ पर शूट बहुत कम होते हैं, ऐसी जगह पे पहुँचाना हमें, देन सब चीज़ मैनेज करना, फ्रॉम फूड टू फ्रॉम एवरीथिंग, ही इज द बेस्ट प्रोड्यूसर आई हैव एवर मेट। मेरे आर्टिस्ट होना जतिन और अनन्या, सीरियसली इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, आई विश देम कि हो जाए दम्बा। आई फील लाइक म्यूजिक वीडियो में हर एक किसी का, फ्रॉम द क्रिएटिव डायरेक्टर टू द कोरियोग्राफर टू द एक्टर टू द प्रोड्यूसर टू द सिंगर, सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, एंड आई थिंक उसी की वजह से वी आर हियर टुडे। सो बिग क्लैप्स एंड थैंक यू फॉर एवरीबडी हु इज पुट इन देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो आगे आपका किस तरह का प्लानिंग है, वेब सीरीज वगैरह, रियलिटी शो वगैरह, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस वगैरह, कहीं जाना चाहोगे आप? आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट ऑफ कोर्स, जैसे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो मुझे अच्छी लगेंगी वो मैं करूँगी, एंड हाँ ट्राई तो सब करना है, अभी आई एम स्टिल यंग, आई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, जो अपॉर्चुनिटी जैसे आए जो अच्छी लगे वो हम करेंगे। सिंगिंग ऑफ कोर्स। रियलिटी शो करना चाहोगे आप? रियलिटी शो के मुझे ऑफर आते हैं MTV के आते हैं बट मैं वो करना नहीं चाहता, बट एक मेरे को मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिग बॉस, जिससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म और थोड़ा गड़बड़ी नहीं होती है, 3 महीने की रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, डिट्स किचन बंद, नहीं पीछे मैनेजर से है ना। When she came on the set over there, I think she was there. I was very happy when I saw her over there. कि कोई तो मतलब रहता ना कोई cute time pass बीच बीच में, but she was very quiet. वो सो ही थी पूरे time के लिए, and I'm very happy आज का दिन choose किया that birthday के साथ साथ ये गाना भी सोने पे सुहागा भी से नो, so a very happy birthday to her. So it's double party. ज़्यादा मज़ा आने वाला है. हमने special thanks का नाम डाला था माशा सोई का, किसलिए कि वो set पे चुप रही और हम shoot कर पाए. She was very quiet. Very quiet. Thank you. Thank you. Sir,
एक्साइटेड है गाना देखने के लिए. गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लोग बहुत अच्छे कमेंट्स भी कर रहे थे. सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ गुजरा जमाना, बिकॉज मैंने आज गाना देखा, बहुत ही ब्यूटीफुली शूट किया है दिनेश सोई जी ने, एंड पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, प्रोड्यूसर आशीष जी को और जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हैं. अनन्या सांके बच्ची का फर्स्ट सॉन्ग है, सो ऑल द बेस्ट टू हर ऑल्सो. एंड मेरे दिल के बहुत करीब मेरे बच्चे जैसा जतिन सूरी, जिसने फीचर किया है इस गाने में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड स्पेशल थैंक्स टू माई डियर डियर ब्रदर दिनेश सोई जी फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू जतिन. स्पेशली दिनेश जी का लिए फेमस इंडस्ट्री में कि वो नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी उन्होंने कुछ नया करना होता है तो एक बारी गाइडेंस लेते हैं कि किसको आप चाहते हो प्रमोट करना. सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी. सो मायशा इज़ लाइक माई नीस, छोटी सी प्यारी सी 3 साल की बाबी डॉल. मेरी तरफ से उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, एंड मैं चाहती हूँ कि बड़े होके वो बहुत बड़ी स्टार बने और अपने मॉम डैड का नाम रोशन करे, यही मेरी दुआ है. थैंक यू. नहीं, गुजरा ज़माना जो होता है हमेशा खूबसूरत ही होता है, अगर उस तरह उससे जुड़ा हुआ कोई गाना हो वो भी खूबसूरत ही है. मैंने सुना वो गाना, एंड जतिन इज़ अ बड़ी एंड दर्शन सोई जी इज़ अ ब्रदर, और ऐसा लगता है घर का ही प्रोडक्ट है एंड खूबसूरत प्रोडक्ट है. आई विशिंग कि अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिले, और आई एम श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा. अलग तरह का गाना है, सॉफ्ट रोमांस है, रोमांस और यंग रोमांस हमेशा हर किसी को पसंद आता है, और जब अच्छी तरह से फिल्माया जाए, क्लीनली तरीके से दिखाया जाए तो अच्छा ही लगता है. किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं दिनेश जी के साथ, उनकी बेटी का जन्मदिन भी है, क्या कैसे है? दिनेश जी के साथ प्रोफेशनल फैमिली दोनों तरह का बॉन्ड है, और उनकी बेटी का आज थर्ड बर्थडे है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी दिनेश जी वर्किंग ऑन सच अ नाइस नाइस वीडियो एल्बम्स, इट्स ऑलवेज फन, इट्स गुड. उसकी शायद जब वो लोग करेंगे तब भी पता चलेगा, खुद से मैं क्या बोलूँ सही नहीं लगता. नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट. गाना सभी लोगों का एक वीक पॉइंट होता है, और ये टाइटल ही इतना कमाल है. आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, है ना. टाइटल में बहुत दम है, एंड जतिन और अनन्या इनमें एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन इन लोगों ने टैप किया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चराइजेशन भी मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कमाल का डायरेक्शन में इनको अंजाम मिला है. वो और वो एक वो जस्ट होता है ना हर गाने में हिट होने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आई थिंक 2-3 मिलियन तो 15-20 दिन में ही हो जाए. सो नो वंडर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिनेश जी. दिनेश सोए द बेस्ट डायरेक्टर हैं, एल्बम्स पता नहीं कितने किए हैं, तो सारी टीम को इस गुजरा जमाना के टीम को मैं दिली बधाइयां देता हूं, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड चीयर्स. अरे क्या बधाई, बधाई बधाई होती है, क्या बधाई क्या होती है. आप गॉड ब्लेस यू, गॉड मे गॉड पोर मिलियंस एंड ट्रिलियंस लाफ्टर ईच एंड एवरी डे इन योर लाइफ, एंड वेरी हैप्पी बर्थडे गर्ल, बी एन एंजल. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ वेल्थ एंड स्माइल. थैंक यू. किसके लिए? क्या काम है? चुप आया बड़ा. मैं पूरी टीम को गुजरा जमाना जो है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ. और मैंने देखा ये सॉन्ग बहुत ही कमाल का सॉन्ग, पिक्चराइजेशन बड़ी कमाल की है, लोकेशन बहुत ही कमाल की है, और सभी ने बखूबी बहुत ही उम्दा काम किया है. एक बार फिर से मैं कुणाल सिंह राजपूत सभी को बेस्ट विशेस देता हूँ, एंड आई होप कि ऐसे ही अच्छा अच्छा काम हम सब मिलकर एज अ टीम आगे भी करते रहें और सबको इंटरटेन करते रहें. काफ़ी अच्छा सॉन्ग लगा, और सर ने प्रोड्यूस किया है, इतना अच्छा सॉन्ग था, मैंने देखा उसको, और काफ़ी अच्छा गाया भी गया है गाना अनन्या के द्वारा, और जो सिंगर है उसमें बहुत अच्छा गाया हुआ है. तो आप सब भी जाएं और उसको ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैला दें ताकि उसमें काफ़ी सारे जल्दी जल्दी उसमें लोग देखें. थैंक यू सो मच. जितना बोलूँ उतना कम है क्योंकि सॉन्ग काफ़ी अच्छा शूट हुआ है, और
आशीष भाई इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर और दिनेश जी ने तो बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है. वी आर अ टीम एंड सून वी आर गोइंग फॉर अ गुड मूवी प्रोजेक्ट टू UK. वी लेट यू नो सून. थैंक यू. अभी मेरे एक कुछ करने के लिए और रिवील करेंगे बहुत जल्दी हम. हमारा लंदन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमारा शारिया भाई भी है हमारा. ये भी हमारे एक्टर साहब हमारे बहुत ही हैं अलीगढ़ से. ये उभरते स्टार उत्कर्ष के साथ भी करते हैं सारे. अच्छा था काफ़ी अच्छा बनाया और सर ने प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली अच्छा होगा. और मैं विश करूँगा कि आगे भी ऐसे म्यूजिक वीडियो करते रहे एंड मुझे भी शायद चांस मिलेगा सर के साथ. ऑलरेडी कर चुका वो चांस ऑलरेडी कर चुका. थैंक यू. मेरे दोस्त ये बहुत अच्छा है. गुजरा जमाना टाइटल बहुत अच्छा है एल्बम का और उस हिसाब से सॉन्ग भी बहुत अच्छे होंगे. देखेंगे हम भी अभी आए हुए हैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को भी और हमारे भाई साहब को आशीष जी को कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया एल्बम के नाम से. और एल्बम और वो आर्टिस्ट जो है अपने उनका नाम क्या है भाई? अनन्या संकी शंके और नितिन जितिन जितिन बहुत अच्छे बच्चे हैं. शायद ये पहला प्रोजेक्ट होगा मगर बहुत अच्छा आशीष जी ने इसमें उनको अच्छा एक्ट किया, इंट्रोड्यूस किया अच्छा। बहुत अच्छा एक्ट किया उन्होंने. देखा नहीं मगर देख लेंगे हम आपके जरिए से भी देखेंगे. और हमारे भाई फिरोज भाई कुछ बोलेंगे बहुत क्लोज हैं मतलब. नहीं सॉन्ग बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है. लोकेशन भी बहुत अच्छी थी. हम लोग साथ में थे और दोनों ने एक्टिंग बहुत अच्छी और दिनेश जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है. इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर और इन फ्यूचर हम लोग साथ में मिलके मूवी का भी प्लान कर रहे हैं. और विजय जी के साथ भी लंदन का प्रोजेक्ट चल रहा है. पूरा इंटरनेशनल मूवी शूट करने का प्लान है सर के साथ पूरा. आप लोगों ने देखी होगी अभी PVR रिलीज की थी टारगेट इंडिया. अब दूसरी का प्लानिंग है बहुत जल्दी सामने आएंगे. यूनिक कॉन्सेप्ट पे हम जाने वाले हैं तो बहुत अच्छी मूवी आने वाली है. और मेरे दोस्त हैं एक और विजय भाई. इनसे भी बहुत बोलिए मेरे दोस्त. काफ़ी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रोड्यूसर साहब को जो एक्टर्स हैं उनको डायरेक्टर्स को पूरी टीम को एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू शेरोज भाई ऑल्सो. थैंक यू. एंड विजय जी को सारे आने वाले वेंचर्स के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा. बस आप लोग की दुआ ब्लेसिंग चाहिए और आप लोग का हमेशा ऐसा साथ चाहिए. Thank you. Dinesh sir, he is actually so good. He is like a visionary. He is so creative. And we've also worked together in a music video called DJ Bajande, which is doing wonders. It's getting so many millions of views, and I'm so happy about it. And he actually knows talent. You know, whenever he sees someone, he just like he knows. He knows what he's doing. He knows what he wants. So it's a very great quality about sir, and I really respect him for that. So and here we are for another music video launch. So all the best to the whole team. I'm sure they've done like a wonderful job and good luck. And also it's Maisha Soy's birthday today, who's Dinesh sir's daughter, and she's like this cute little baby. Gift bhi leke aayi uske liye. Tumhe kisne kaha gift lane ke liye? Yeah, gift. Come on, I mean, choti baby ka birthday, so matlab you have to get something for the kid, right? So just a small thing, nothing. Just my love and best wishes for her. What thank you. Yes, so I just recently did a music album for Zee Music Company. It's called Current Mare, and the song's been released now. And next, of course, there's another music video which is in the pipeline, and also there's one web show which is in the pipeline. So yeah. वो काम करते घमंड नहीं बिल्कुल भी. वेरी गुड डांसर वेरी गुड परफॉर्मर. हमने गाना किया डीजे बाजेंदे मुझे तब मालूम चला कि ये बहुत अच्छी डांसर है. हम उससे पहले गाना के कर चुके थे पटोला गाना जो कि बेसिकली डेब्यूट था इसका. बट शी डेब्यूटेड विद म्यूजिक वीडियो डीजे बाजेंदे. बट आई एम हैप्पी कि मेरा ही गाना था. आई डायरेक्टेड इट. जिन्होंने सबसे पहले मुझे म्यूजिक वीडियो में चांस दिया पहचाना मैंने जिसे पहचान लिया. बट ये डिजर्व करती थी बहुत ज्यादा. एंड अमेजिंग एक्ट्रेस अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गर्ल. सो स्वीट ऑफ यू सर. रियली मींस अ लॉट. थैंक यू. So I'm very excited for the music video and I'm sure it's going to be amazing क्योंकि ये दोनों हैं. ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये मेरी फैमिली है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये एक्सपीरियंस इन लोगों ने साथ में किया और सारी फैमिली साथ में जुड़ रही है. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो रिव्यूज़ आएंगे उसके लिए. सो यस इट्स गोइंग ग्रेट. थैंक यू.
and birthday of Maisha as well, and it's happy birthday. She's my little sister and I love her. और खूब 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 मज़े करें वो लाइफ में और आगे जाके और स्टार बने. हम अपनी जर्नी कर रहे हैं, वो भी आगे जाके स्टार बने. यस, आई एम डूइंग बाप विद मिस्टर अहमद खान एंड उसमें सनी देओल है, जैकी श्रॉफ है, संजय दत्त है, जॉनी लीवर जी है, तो इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट. सो आई एम वर्किंग विद देम और आगे हम इनके साथ भी काफ़ी काम प्लान कर रहे हैं, तो होगा. थैंक यू. थैंक यू. I've heard this music and it's an amazing song and seriously I liked it very much. मैं वांटेड टू से बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है और जिनेश जी की बात आई तो उसमें तो कोई बोली कुछ ही नहीं. हां, मैं कुछ भी है, सेलिब्रिटी हो चुकी है, कितने सारे फॉलोअर्स हैं एंड काफी सारे काम मिल रहे हैं. वो तो बहुत क्यूट है. आज मायशा का बर्थडे प्लस इनका गाना भी उसी दिन रिलीज हुआ. डायरेक्शन में दिनेश जी का कोई कंपटीशन नहीं है. सकता मेरा कोई हाथ. सो ये कहना चाह रही है मतलब. यस, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे को छोड़ के. मैं फीलिंग से मिल गया. कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. नो सीरियसली, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग. वैसे आपको ना पता हो हमारा जो पिछला गाना आया था इसी लेवल पे जहां पे हमारा गुजरा जमाना गाना आया है. हमारे गाने की हीरोइन थी मानसी, शी वाज द लीड एंड शी वाज सेकंड लीड. कोई घमंड नहीं इन लोगों को, मतलब दे आर ऑलवेज देयर विद मी. जब भी मेरा कोई फंक्शन होता है या कोई भी चीज़ हो, फैमिली की तरह ही लोग. थैंक यू सर. ये लेवल है और आशीष सर के बारे में, साथ ही मायशा का बर्थडे है ऑलरेडी, एन इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे एड्स मिल रहे हैं, क्या कहना चाहिए इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से आर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मायशा एंड गाने का नाम है गुजरा जमाना और इनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा माशाल्लाह इतना ज़्यादा रॉक करते हैं और आई थिंक अभी तक ये सेंचुरी बना चुके हैं गानों की. हाँ, सेंचुरी होगी. हमने काम नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया. दूसरी बात, इनको मैंने अभी अभी इनवाइट किया. मैं कहा किसान भी कहाँ हो, तो एकदम से आए हैं. इन्होंने अभी रीड किया नाम गुजरा जमाना, बट आई एम श्योर ही विल लव द वीडियो, ही विल वॉच इट. बट आई थिंक गाना जो है वो गुजरा जमाना जैसा नहीं होने वाला है. गाना बहुत ही प्यारा है और आई थिंक जिस तरीके से आप सारी सभी गानों को सपोर्ट करते हो, प्लीज सपोर्ट दिस सॉन्ग ऑल्सो एज ऑलवेज एंड यू रॉक दैट. I know. Thank you for coming. Yeah, thank you so much. क्या राखी की शादी भी थी अभी? फिर हो गई? इनकी शादी होती है. कब हुई? तो राखी जी की शादी कब हुई? राखी के साथ आपका रील आता है. तो शादी तो नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं, रील आता है, लोग बहुत प्यार करते हैं. राखी जी के बारे में क्या कहना? वो राखी जी और मेरा प्यार ही कुछ ऐसा है कि मतलब लोग पागल हो जाते हैं हमारे रील्स देख के ऑलवेज. एंड कोई रील 10 मिलियन पे, कोई 20 मिलियन पे है और गाना करेंगे तो मुझे लगता है 100 मिलियन पहले दिन में चला जाएगा, बिकॉज जोड़ी इतनी अच्छी लगती है मेरी और राखी जी की ऑन स्क्रीन. बट शादी हो गई ये बात हमें नहीं पता था, क्योंकि आदिल जी तो अभी शायद जेल में है तो सवाल ही नहीं उठता शादी का. तो और नया बॉयफ्रेंड उनका अभी कोई बना नहीं है. मतलब आप नहीं, ये नहीं है? नहीं, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ. आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वी आर वेरी फैमिली मेम्बर्स. और किसी की शादी? संगीत, मेहंदी, फिलहाल आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट गुजरा जमाना. थैंक यू सो मच एवरीवन. म्यूज़िक वीडियो हमेशा अच्छे ही होते हैं, क्योंकि आजकल म्यूज़िक की चॉइस और म्यूज़िक का कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बुरा बनने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं. और अंदर जाके देखूंगा, अगर आप बाइट बाद में लेते तो मैं एग्जैक्टली बता पाता कि कैसा लगा म्यूज़िक वीडियो. लेकिन फ़िलहाल मैं जतिन को जानता हूँ, बहुत मेहनत की है इस लड़के ने, मतलब काफ़ी पुराना जानता हूँ. और अच्छा लग रहा है कि जितने भी ये यंग टैलेंट हैं सब निखर के सामने आ रहे हैं. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द होल टीम ऑफ दिस म्यूज़िक वीडियो और स्पेशली जतिन, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. सो थैंक यू सो मच. बाकी वीडियो देख के अगर आप रहे तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसा लगा वीडियो. थैंक यू. नहीं पाजी, बहुत मुबारक. और जो बेटियां होती हैं ना, उनका जश्न ज़रूर मनाया जाना चाहिए, चाहे बेटों का मिस हो जाए. क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिसके घर में एक बार बेटी आ जाती है ना, तो उस घर में ज़िंदगी बदलती है और हमेशा ज़िंदगी अच्छे के लिए बदलती है. सो मतलब मैंने जितने भी अभी तक अपनी ज़िंदगी में उदाहरण देखे हैं, मेरे जितने भी दोस्तों के घरों में जब भी बेटी हुई है, सब स्टार बने हैं, सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं. सो पाजी, बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. बेटियाँ मतलब जिसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी, सरस्वती, सबका रूप होती हैं,
और अगर उनको नाराज़ करो तो दुर्गा भी होती हैं तो बेटियों को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। सो आई अप्रिशिएट कि बेटी का जश्न इतने धूमधाम से मनाया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।